I'm your chef Shahina Shumail and you're watching Cooking with Shahina. और आज मेरे साथ कौन मौजूद हैं? आज मेरे साथ मौजूद हैं जी herbalist हैं और इनका नाम आप सब इनको जानते होंगे और आज हमारी जो है वो गुजारिश पे आए हैं और बेहद जो है वो आज बहुत ज़बरदस्त सा टॉपिक है और टॉपिक क्या है टॉपिक बताने से पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करा दूं तो हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए हकीम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है. शाहिना आपके शो की वैसे ही बहुत ज़्यादा तारीफ है. आप खुद बहुत अच्छी हैं, अच्छा बोलती हैं, अच्छा समझाती हैं, अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं, तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं आपके शो में हूँ आपके साथ. बहुत शुक्रिया आपका. और आज जो है वो क्या टॉपिक है? आज जो है वो मेरा और आपका हम सबका फेवरेट टॉपिक है और पीक का टॉपिक है. सबको ये मसाइल होता है कि हम वेट कैसे लॉस करें, वजन कैसे कम हो जाए हमारा, क्या हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो है ना हम अपने डाइट भी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम वज़न कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. तो आज हकीम शाह नज़ीर हमें बताएंगे कि हम अपना वज़न कैसे कंट्रोल करें. तो आज का हमारा टॉपिक है वेट लॉस टॉपिक. जी हकीम साहब, तो आपसे शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आप मुझे वजूहात बताएं जिन वजूहात से हमारा वज़न बढ़ता है और ये सारी वजूहात बताने के बाद फिर हम आप हमें बताइएगा कि पहले तो मर्ज पूछते हैं ना और फिर जो दवा होती है तो फिर आपने दवा बतानी है. पहले मर्ज होती है फिर उसकी तशखीस होती है कि क्या वजूहात हुई हैं और फिर उस वजह की दवा दी जाती है, उससे पेशेंट ठीक होता है. देखिए इसमें जो वेट जो गेन हो रहा है वो हमारी लाइफस्टाइल तब्दील होने की वजह से हो रहा है. हम हर चीज़ खाना पीना सब हम बेड पे कर रहे हैं, सोफों पे बैठे हैं, कहीं जाना आना नहीं है, फ़ोन करते हैं हर चीज़ हाजिर हो जाती है, कहीं पैदल चलना नहीं है और फिर उसके बाद डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है. उससे एक तो वेट गेन होना शुरू होता है, डायबिटीज़ होने के खतरे होते हैं, बीपी होने का खतरा होता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, घुटनों में दर्द होने की शिकायत शुरू हो जाती है, दिमाग जो है वो वसवसे होना शुरू हो जाते हैं, यानी दिमाग जो है वो फजूल का चलना शुरू हो जाता है. तो इसकी वजह से भी वेट गेन हो रहा होता है. बाज़ औक़ात ये होता है कि जो ख़वातीन होती हैं वो बेबी के बाद जो है वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, एक इस वजह से भी होता है. दूसरा ये है कि जब हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो उससे भी वेट गेन हो रहा होता है और साथ में कलर भी डिम हो रहा होता है, गर्मी ज़्यादा फील हो रही होती है और अक्सर लोगों का फैटी लीवर होता है, वर्म की शिकायत होती है. तो ऐसी सूरत में ये होता है कि कभी कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, बाद में सूजन उतर जाती है, ऐसे कई रीज़न्स हो जाते हैं. आज हम आपको दो रेमेडीज़ बनाकर दिखाएंगे. एक हम आपको जड़ी बूटियों का मिक्स सफ़ूफ बनाकर दिखाएंगे और दूसरा ये है कि आप चाय पीते पीते वज़न किस तरह कम कर सकते हैं. ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो, यानी कि हमें जो है वो दवा भी मिल रही है और सारी वजूहात तो हकीम शाह नज़ीर साहब ने आपको बता दी हैं कि किस वजह से हमारा वज़न बढ़ता है. और समटाइम ऐसा होता है बेबी के बाद हमारा वज़न बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है कि हमारी ओवर ईटिंग की हैबिट होती है, हमारी सोने उठने की रूटीन होती है, इन सारी वजूहात की वजह से हमारा वेट गेन हो रहा होता है. शाइना इसमें ये होता है कि जैसे पानी कम पीना और नींद का पूरा ना होना, तो ये भी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं. अपनी नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं. देखिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आपने अपने काम को भी देखना है, अपने नींद को भी देखना है और आधा घंटा अपने लिए भी निकालना है कि आधा घंटा आप वॉक करें. एक मिनट में 62 कदम हो, यानी 62 स्टेप होने चाहिए इन एक मिनट के अंदर, और आप आधा घंटे की वॉक करें, आप देखें आपकी लाइफ तब्दील हो जाएगी. वॉक करने से साइंस कहती है कि विटामिन डी भी आपको मिल रहा होता है. ज़बरदस्त. अच्छा अब जो बारी है वो दवा की है और दवाई क्या क्या यहाँ पर मौजूद है, मुझे तो बहुत सारी यहाँ पर जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं और मुझे इनके नाम भी नहीं बताएं, तो ये आप ख़ुद बताएं ताकि मुझे भी पता चले और मैं भी इसे अप्लाई करूँ और आप लोग भी इसे अप्लाई करें और फ़ायदे हासिल करें. अच्छा जी, आपकी तरफ मैं ये प्लेट कर रही हूँ. जी जी जी. और वन बाय वन आपने स्पून पीछे रह गया. जी जी, मैं देती हूँ आपको. जी बिल्कुल, ये टेबल स्पून है, ये टी स्पून है. बिल्कुल, देखिए टोटल तीन चीज़ें हैं जी और तीनों का काम ये है, जैसे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये उसको कम करके आपको स्मार्ट बनाएगी. और दूसरा ये है कि जितनी भी ढीठ चर्बी हो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते कम होगी. आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ आप तकरीबन एक 6 दिन 7 दिन यूज़ करेंगे, आपका 1 से 1.25 किलो वज़न कम होगा. इसी तरीके से महीने में 4 से 5 kg वज़न कम होगा. ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो है ज़ीरा सफ़ेद. सफ़ेद ज़ीरा आप सबके घरों में मौजूद होता है और इसकी कितनी क्वांटिटी आप ये आपने लेना है 50 ग्राम, ये इसका पाउडर है. अच्छा ठीक है ठीक है. ये अजवाइन के पत्ते हैं, अजवाइन जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं. अच्छा अच्छा, ये उसके पत्ते हैं. जबरदस्त, ये साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम. अच्छा अच्छा. और ये काली हड़ है,
अच्छा काली हर्ट जहाँ ये ऊपर से ब्लैक होती है अंदर से ब्राउन माइल होती है, पिसने के बाद ये कलर हो जाता है इसका। अच्छा ठीक है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम ठीक है 50 ग्राम 50 ग्राम लेके ऐसे मिक्स कर लें जी, बारीक सफूफ कपड़े में छान लें इतना बारीक हो। अच्छा और इसकी एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, ये है ना बिल्कुल ये वाली चम्मच हमने नाश्ते से पहले क्या करना है, सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ लेना, फिर रात को खाने से पहले पानी के साथ लेना। अच्छा अगर आप भूल जाते हैं तो नाश्ते के एक घंटे बाद रात खाने के एक घंटे बाद अच्छा पानी के साथ इस्तेमाल करें, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना आपने जितना अरसा जितना आप वेट कम करना चाह रहे हैं। अच्छा, हर हफ्ते आपका एक किलो वजन कम हो रहा होगा। कोई चीज़ टोटल गिजा वाली चीज हाँ, वो तो मैं देखी ये तो आम इससे चूरन हाँ। भी बनते हैं, इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, हर एक चीज की एक तरतीब होती है, नुक्साबंदी होती है कि आपको क्या चीज कितना रिजल्ट देती है। ठीक है ना, तो इसमें ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपके पेट में हवा भर जाती हो, गैसेस बहुत होती हो, ये उसको भी ठीक करेगी, हाजमे को बेहतर करेगी और मेटाबॉलिक सिस्टम को आपके फहाल करेगी, ताकि जो चीज़ खाएं वो आपकी कैलोरीज भी निकलती जाए आपकी। और दूसरा खाना पीना आप 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं लेकिन पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, आप देखिएगा आपका वेट कितना भी ढीठ होगा ये कम होना शुरू हो जाएगा। आप पहले 1 महीना यूज करके आप इसी शो में कॉल करके बताएंगे आपको कितना अच्छा लगा। बिल्कुल, और साथ साथ हमारे लाइव नंबर्स भी चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और कोई सवाल पूछना है, कोई रेमेडी पूछनी है तो वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा साथ साथ मैं एक दफा इसका रिकैप कर देते हैं हम जी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई चीज मिस हो जाए, और अगर आपसे कोई चीज मिस हो जाती है तो वीनस एचडीटीवी का यूट्यूब चैनल है, वहां जाएं कुकिंग विद शायना को सर्च करें और हमारे प्रोग्राम्स देखें। और अकीम शाह नजीर को तो आप सब जानते ही हैं और इनकी बहुत सारी मुफीद कारामा टिप्स हैं, उनको भी आप लोग फॉलो किया करें। अच्छा साथ साथ मैं आज इसका रिकैप आप लोगों को, ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज मिस हो जाए, तो आपने सफेद जीरे का पाउडर लिया है 50 ग्राम 50 ग्राम सफेद जीरे का पाउडर है नंबर 1। नंबर 2 अजवाइन के पत्ते हैं 50 ग्राम इसका पाउडर लिया, बिल्कुल पाउडर इसका। और ये काली हर 50 ग्राम इसका पाउडर लिया है। इन तीनों को आपने मिक्स करना है और पाउडर इतना फाइन हो कि आप किसी मलमल के कपड़े से छान लें। उसके बाद आप बताएं, तो सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय वाला चम्मच, रात खाने से पहले 1 चाय वाला चम्मच सादा पानी के साथ। ठीक है, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, ऐसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें ना कोई मीठा ना कोई नमकीन है। बिल्कुल, अच्छा इससे सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो मदर फीड पे खवातीन है वो इस्तेमाल ना करें, और जो प्रेगनेंसी की हालत में वो इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं इसे। अच्छा इन्होंने बता दिया कि किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो लोग सुन लें कि उनके लिए नहीं है। इसके अलावा जो भी हर एज की चाहिए, 14-15 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि इसके हमने सारे फैक्ट्स एंड फिगर देख ली हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को नुकसान दे, और प्रॉपर हर्बलिस्ट हम यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि ये कोई अपने पास से आपको रेमेडी बता रहे हैं, मतलब आप जाहिर सी बात है जानते हैं, और जो डिग्री होती है ऑथेंटिक वो लोग अगर आपको कोई बात बताते हैं। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, देखिए आपके लिए जो प्रॉब्लम करते हैं वो आपके मोहल्ले वाले करते हैं, पड़ोसी करते हैं, आप लोग पड़ोसियों से मशवरा करते हैं, उनके पास डिग्री होती नहीं है, अब वो बेचारा क्या बताएगा, मैं ये खा रहा हूँ तुम भी खा लो। अब जरूरी नहीं है कि जो वो खा रहे हैं वो आप पे भी काम करे, जो चीज़ ये वो चीजें हैं जिनके नुकसान कोई नहीं होते हैं, जो ऑनियर हम बताते होते हैं, आपको किसी हकीम के पास चले जाएं, लेकिन वो हकीम हो, हकीम जैसे 5 साल पढ़कर आते हैं, इस तरीके से हो, इंसान का अपना एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन आप पड़ोसियों से मत पूछा करें, क्योंकि पड़ोसी खुद किसी से पूछ के आए वो होता है, ठीक है ना, मुझसे पूछे आप, मैं आपको बताऊंगा, मेरी तो कोई फीस भी नहीं है, मैं तो खुद टोट के बता रहा हूं। जबरदस्त, ये तो बगैर फीस वाले आज आ गए हर्बलिस्ट यहाँ पर। अच्छा सारी मैंने आपको बता दी है, ये वाली हमारी एक रेमेडी जो है वो कितने दिन तक करनी है, ये जितना अरसा देखें, हर हफ्ते 1 किलो वजन कम होगा, अगर आपने 10 किलो वजन कम करना 10 हफ्ते इस्तेमाल करना। माय गॉड, यानी कि ये बिल्कुल, और अच्छा सबसे मजे की बात, अगर आप भूल जाएं सुबह नहार मोड के खाना, तो आप नाश्ते के 1 घंटे बाद, यानी कि अगर भूल जाएं तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज खाली पेट असर करती है वो ज्यादा, 1 घंटे बाद मैदा वैसे ही खाली हो जाता है वो आपका। अच्छा इसको मैं बैग पे रख देती हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा आज साथ साथ आप सोच रहे होंगे कि शाहिना के किचन में, यानी कि कुकिंग विद शाहिना में क्या बनेगा आज, तो मैं आज जो है मैंने भी वेट लॉस से, क्योंकि आज टॉपिक वेट लॉस का था, तो मैंने भी सोचा कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम अपनी डाइट को भी कंट्रोल करके चले, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको स्टीम करना, वेजिटेबल्स को हम किस तरह स्टीम करते हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँ, और साथ साथ मैं बनाऊँगी एक स्मूदी,
और स्मूदी बहुत ज्यादा जो है ना, आप जब डाइट पर होते हैं तो आपके पेट को भरा रखती है। ऐसा नहीं होता कि आपको जो है ना, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इसकी बहुत अच्छी होती है और आपके पेट को भरा भरा रखती है। आपको बिल्कुल भी जो है ना, आपका बीपी सेट रहता है स्मूदी अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या चीजें चाह रही होती हैं तो मैं वो यहाँ पर बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको स्टीम वेजिटेबल्स की चीजें बता रही हूँ कि स्टीम वेजिटेबल्स में क्या जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर लिया है मैंने एक कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी ली है। हम सबके घरों में आती है, आप सबने देखी है, बहुत इजीली हर जगह मिल जाती है। अच्छा, गोभी ली है हमने, एक लिया है मैंने कैप्सिकम। कैप्सिकम मेरी मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर भी होता है, जब क्योंकि स्टीम वेजिटेबल्स खाई नहीं जाती हैं तो हम उसके अंदर कुछ ऐसी वेजिटेबल्स ऐड कर लें जिनसे जो है वो हमें टेस्ट अच्छा मिले, तो कैप्सिकम का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ साथ ली है मैंने एक अदद गाजर यानी कि कैरेट, और मैंने यहाँ पर लिए हैं चुकंदर। और चुकंदर जो है वो मैंने छोटे छोटे साइज के हैं, तो आप एक ले लें, बड़ा अगर साइज का है तो नहीं, तो आपने छोटे तो दो या तीन ले लें। अच्छा, इन सारे इन सबको मैं कटिंग करूंगी और कट करके जो है मैं इनको स्टीमर में स्टीम करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं स्टीमर में पानी डालूंगी और इसको मैं रखूंगी स्टीम करने के लिए, और साथ साथ मैं वेजिटेबल्स को भी कट करूंगी। यहाँ ये फुल तकरीबन फुल प्रोटीन भी है इसमें जी, इसमें विटामिन सी भी है, इसमें आयरन भी है, विटामिन ए भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें तकरीबन तमाम मिनरल्स आप डाल रही हैं। अच्छा, आप ये बताएं गोभी के क्या फायदे हैं, चुकंदर के क्या फायदे हैं? देखिए, चुकंदर जो है इसमें फुल फ्रॉम आयरन होता है। ये जिन लोगों को भी खून की कमी की शिकायत रहती है, हीमोग्लोबिन कम आता है उनका, तो एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें और एक कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें, 45 दिन इस्तेमाल करें और अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं। इंशाल्लाह आपको ये 11 पॉइंट से ऊपर मिलेगा आपका है, क्योंकि ये मैंने अपने घर पे भी यूज़ कराया है, काफ़ी खून की कमी हो गई थी। और जिस तरीके से गाजर है, विटामिन ए पाया जाता है, ये आँखों के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है, और इसके अलावा ये बालों के लिए भी बहुत बेहतर है। और इसके अंदर जो ये शिमला मिर्च है जी, कैप्सिकम, फुल कैल्शियम है, विटामिन सी पाया जाता है, कलर फेयर करने में भी मदद देती है। और ये गोभी है, गोभी फुल फ्रॉम प्रोटीन है, और प्रोटीन के साथ साथ इसमें आयरन भी है, इसमें पोटाशियम भी है और कैल्शियम भी है, इसमें ऐसे बहुत तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि ताकत के लिए भी बेहतर है, आसाब के लिए भी बेहतर है, और जो पिचके गाल वाले लोग होते हैं ये उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये आम जिस्मानी कमजोरी को दूर करती है। ये आपकी आज आपको न्यूट्रिशन वैल्यू वेजिटेबल्स की भी पता चल रही है, साथ साथ क्योंकि जब हम ऐसे हर्बलिस्ट आते हैं या डॉक्टर्स आते हैं तो हमारी आसानी हो जाती है हमें, और एक तो हम वेट लॉस भी आज इनसे सीख रहे हैं कि इतनी अच्छी हमने रेमेडी सीखी, साथ साथ ये हमें बता रहे हैं कि वेजिटेबल्स में किस वेजिटेबल में क्या न्यूट्रिशन है, किससे क्या होता है। अच्छा, इनसे ये बताएं जो स्टीम वेजिटेबल्स खाते हैं उनका किस हद तक पेट भरा रहता है, क्योंकि समटाइम ये इशू होता है कि हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब हम डाइट पर आने की सोचते तो हैं कि हम डाइट पर आ जाएं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो इनसे क्या होगा कि उनका पेट भरा रहेगा, वो कैसा फील करेंगे, ये वाली सारी चीजें बताएं, इनमें कितने कार्ब्स हैं। एक चीज मैं बता दूं कि आप अपने घर में अपने बच्चों को सबको सब्जियों का इस्तेमाल करवाया करें। हम बाहर की चीजें मंगवाते हैं, फार्मी चिकन्स वगैरह ये इस्तेमाल कराते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसान का सबब यूं बनता है कि ये थायराइड ग्लैंड्स पैदा करता है और साथ में पीसीओ और हार्मोन सब डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि जो चिकन हमारे यहाँ ओरिजिनल तौर पे जो फार्मी भी हो, जो 90 दिन के अंदर 2 किलो की तैयार होती है, यहाँ पे उसे इतने इंजेक्शन देते हैं कि वो एक महीने में 3 किलो की तैयार हो जाती है। तो जो कि आप खाते हैं, आपके अपने हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, फालतू बाल आना शुरू हो जाते हैं, वजन भी बढ़ने शुरू हो जाता है, FSH लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल और LH और प्रोलैक्टिन ये भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे PCO यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी जन्म ले लेती है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि बच्चों को और घर में सब्जियों का और जो सी फूड्स हैं इनका इस्तेमाल करवाया करें, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। हम लोग चिकन पे या बाहर की चीज़ें देते हैं ना, कल ये चीज़ें नहीं होंगी फिर क्या करेंगे, आना पड़ेगा सब्जियों, जब वो खाते ही नहीं अब क्या करोगे। शुरू से आदत डालें आप लोग, आदत डालें यानी कि ट्रेनिंग ऐसी हो आपकी। जिस आपने कहा ना भूख ज्यादा लग जाती जी, है जी, जी। देखिए, हम अक्सर कहते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं हर 2-2.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें, इससे आपकी स्किन जो है ना वो झुरियां नहीं पड़ेंगी। अच्छा, कुछ ना कुछ में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ में हर चीज खाएं आप। देखिए, मेन चीज ये है कि आपके अंदर वॉक होनी चाहिए, आप वॉक करें, एक आधा घंटा अपने लिए निकालें। ये जो खाना पीना बंद करके वेट कम करते हैं, जब खाना पीना शुरू करते हैं फिर वेट बढ़ जाता है, फिर वेट खाना पीना जारी रखते हुए करें, ताकि आपके चेहरे पे झुर्रियां भी ना पड़े, स्किन भी लूज ना हो, कलर भी बेहतर रहे, और साथ में अपनी नींद पूरी करें, और हर 1 घंटा 1.5 घंटे बाद 1 गिलास पानी जरूर पिया करें, ताकि रात तक 12-13 गिलास हो जाए। पानी भी जरूरी है आपकी,
पानी बहुत जरूरी है और पानी पीने से वेट भी कम होता है, स्किन फ्रेश रहती है। अच्छा, साथ साथ मुझे आप एक बात मुझे बताएं कि वेट लॉस करने की और क्या हमें क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। एक तो आपने ये रेमेडी बता दी, साथ साथ आपने मुझे बता, जैसे मैं बता रही हूँ आज आपको कि स्टीम वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके अलावा और क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो भी बताएं थोड़ा सा। एक जिस तरीके से आप कहीं जा नहीं सकते हैं, घर पे ही होते हैं, बाजार नहीं जा सकते हैं, जड़ी बूटी ला नहीं सकते हैं आप, तो आपके घर में जैसे अभी आपने फूल गोभी देखी है, इसी का बंद गोभी मिलेगी आपको, ठीक है। आप एक कप के बराबर बंद गोभी ले लें और टिंडा, एक अदर टिंडा, उसके भी छिलकों के समय चार टुकड़े कर लें और उसे 5 गिलास पानी में पकाएं, इतना पकाएं कि 1 कप पानी रह जाए, इसका सूप निकल आए, ठीक है। और जब सूप निकल आए फिर इसे आप सुबह निहार मुंह पी लें। अगर सुबह निहार मुंह नहीं पी सकते हैं तो दोपहर 3 बजे भी मैदा खाली होता है, आप उस टाइम पे पिएं। आप 1 महीना पिए, आप देखिएगा 15 दिन में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं। जबरदस्त, यानी कि यहाँ मेरे साथ साथ सारी आवाम जो है वो स्मार्ट होने वाली है। और टाइम एक छोटे से ब्रेक का और लेते हैं एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और दोबारा से वेट लॉस टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं और अपनी डिश को भी कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to our break and a very good afternoon to you। और आज मेरे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर और टॉपिक है वेट लॉस का। और आज मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बिल्कुल काम छोड़ दिया था, मैंने कहा मैं ब्रेक से वापस आऊँगी जब ही आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया ब्रेक में। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं बिल्कुल अपने हाथ ऐसे रख के खड़ी हो गई और जो है वो मैंने अभी तक स्टीमर में क्या किया, मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं। अच्छा, स्टीमर मैंने ऑन किया था, थोड़ा सा वाटर हॉट हो गया था, उसके बाद मैंने दोबारा स्टीमर को ऑफ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने अब इसको खोल के रखा और इसके अंदर मैंने कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी ऐड करी, इसके अंदर मैंने चुकंदर ऐड करी, इसके अंदर मैंने गाजर ऐड करी और अब ये शिमला मिर्च के कुछ पीसेस हैं जिन्हें मैं कट कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसको इसमें जो है वो भी ऐड करूँगी और थोड़े से पीसेस जो है ना बहुत ज़्यादा मैं शॉर्ट नहीं कर रही हूँ, तो आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने हैं क्योंकि स्टीम होके ना साइज़ वैसे ही कम हो जाता है तो फिर आपको खाने में जो है ना मज़ा नहीं आएगा, वो बिल्कुल जो है छोटे छोटे से पीस होंगे वो गायब से हो जाएंगे। अच्छा, इसको डिसीडेट कर लिया था मैंने, सीड्स नहीं जाते हैं इसके। अच्छा, शिमला मिर्च हम जब भी यूज़ करते हैं, हमें जो सिखाया है ना हकीम साहब, हमें ये सिखाया कि इसको डिसीडेट करके आप यूज़ करें, तो हम इसको क्यों नहीं, इसके सीड्स को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। सीड्स ऐसी होती हैं जो कि पाइल्स का सबब बनती हैं। अच्छा, तो इस वजह से मना की जाती है। अच्छा, जिस तरह आप टमाटर लेते हैं, टमाटर को भी सीड डिसीडेट कर लेते हैं, उतारना होता है क्योंकि वो यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन को बढ़ाता है जी, तो वो किडनी के लिए नुकसान का सबब बनता है। अच्छा, मैं वेजिटेबल्स जो है वो मेरी तमाम कट हो गई हैं और मैंने इसके अंदर कौन सी वेजिटेबल्स यूज करेंगी मैं एक दफ़ा और बता दूं आपको। इसके अंदर मैंने गोभी ली थी, चुकंदर, गाजर एंड देन मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च। 10 मिनट्स, ओनली फॉर 10 मिनट्स में ये डन हो जाती हैं। और अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर मौजूद नहीं है तो आपने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने एक वॉक लेना है, वॉक के अंदर आपने मिड लेंथ में आपने पानी भरना है, उसके ऊपर आपके पास जो छन्नी होती है, जो वो छन्नी आप रखें, उसके ऊपर आप अपनी ये वेजिटेबल्स को रखें और उसको कवर कर दें। कवर करके भी आपने 10 मिनट्स स्टीम करना है, वही सेम प्रोसेस होगा, इसी तरह ही बिल्कुल तैयार होगी। तो अगर कोई चीज़ नहीं होती तो आप परेशान ना हुआ करें, मैं आपको साथ साथ इसका अल्टरनेट भी बताती हूँ। अच्छा जी, अब मैं जो है इसको ऑन कर रही हूँ और ये मैंने ऑन करा है 10 मिनट्स के लिए और अब ये हमारी स्टीम हो जाएंगी खुद ही। और जब ये स्टीम हो जाएंगी इसके बाद हम क्या फ्लेवरिंग करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूँ। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, देन वाइट पेपर एंड देन अगर आपको पसंद है चाट मसाला तो आप चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, नुकसानदेह तो नहीं है ना चाट मसाला, कर सकते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी देसी लोग हैं, ना डालें। हम पाकिस्तानी देसी लोग हैं, अब तक चटपटा और मसाला बन नहीं आता। अच्छा, ना तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल लेमन ऐड कर सकते हैं, बहुत विटामिन सी मिल जाएगा उससे। और लेमन किस हद तक वेट लॉस करता है? लेकिन लेमन जो है वो शहद में मिला के तो अक्सर लोग पीते रहते हैं, ठीक है, इतना वेट कम नहीं करता लेकिन आपके हाजमे को जरूर बेहतर कर देता है। अच्छा, बहुत ज्यादा वेट लॉस करने में आरामत नहीं है, इतना नहीं होता लेकिन अच्छा। अब पूरी दुनिया यूज कर रही है, हाँ, ग्रेपफ्रूट का जूस जो है वो 1 ग्लास सुबह 1 ग्लास रात पिए, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती है। जबरदस्त। अच्छा, ये स्टीम हो रही है, साथ साथ मुझे आपने बताया था कि मैं एक कावा भी बनाना सिखाऊंगा, तो कावे के इंग्रेडिएंट्स हमें 1/4 कप पानी चाहिए होगा, 1/4 कप पानी चाहिए होगा, बिल्कुल। वॉक चाहिए होगा आपको जी? अच्छा जी, ये एक वॉक है और यहाँ पर ये। अच्छा, अब आप इसके मुझे बता दें क्या क्या है। 1/4 कप पानी डालेंगे, बिल्कुल। और ये है ऊंट कटारा,
ऊंट कटारा कहाँ से मिलेगा? ये फैटी लिवर को भी दूर करती है, ये जिगर के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, हेपेटाइटिस के लिए भी बहुत बेहतर है, यरकान होने नहीं देता, इसके अलावा बॉडी में जो फालतू फैट्स होता है ये उसको कम करती है। इसी तरीके से तुख में कासनी है, ये भी जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है और फालतू फैट्स को कम करने में मदद देती है। इन दोनों को मिला के हम इसकी टी बनाएंगे, जो कि आपके देखा होगा ना कि सुबह के टाइम पे चेहरा सूजा हुआ होता है, ये उसको भी बेहतर करती है, साथ में मुंह के जायके को भी बेहतर करती है, मुंह कड़वा कड़वा रहता है क्योंकि जब फैटी लीवर होगा तो साथ में मुंह भी कड़वा होगा। और कपड़े कभी लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, अचानक सर्दी लग रही है, अचानक गर्मी लग रही है, ये उसको भी दूर करेगी। ये भी एक कम्प्लीट गिज़ा है, आप इसका एक कप रोज़ाना एक टाइम पिए, ये एंटी डिप्रेशन भी है, आपकी नींद को भी बेहतर करेगी और साथ में वेट को भी कम करेगी आपके। आप देखिएगा, एक महीना यूज़ कीजिएगा, आप देखना, आपको देखने वाले बोलेंगे कि आप कोई खास चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हो। जबरदस्त। अच्छा, इसकी क्या क्वांटिटी है ऊंट का? ये ऊंट कटारा। ऊंट कटारा, और ये तुख्मे कासनी है। तुख्मे कासनी और ऊंट कटारा, क्वांटिटी कितनी? सवा कप पानी डालें। सवा कप में पानी डाल देती हूँ और पानी ले लेती हूँ जी। तो ये हो गया हमारा एक कप और देन ये हो गया हमारा सवा कप। सवा कप पानी यहाँ पर मैंने लिया है, शामिल किया है। देखिए, एक चाय वाला चम्मच तुख्मे कासनी, ठीक है, और ऊंट कटारा, ऊंट कटारा ये भी हमने एक चाय वाला चम्मच लिया, सही, बस ये काफी है। आप इसे एक जोश दे के, दो जोश दे के उतार दें। अच्छा, उसके बाद इसको इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी हम इसको कुक भी करते हैं ना, हम पकाते भी हैं इसको ताकि पता चले भाई पकाने के बाद इसका क्या कलर आता है, तो अब हम इसको पकाते हैं। अच्छा, आपने लिया है तुख्मे कासनी, तुख्मे कासनी और ऊंट कटारा, एक एक चम्मच सवा कप पानी में डाला, इसे उबाल लिया अच्छी तरीके से। और ये सब लोग पी सकते हैं? सब लोग पी सकते हैं, सिर्फ वो जो प्रेगनेंसी की हालत में यूज नहीं करेंगे, बाकी सबका, मदर फीड वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आफ्टर इफेक्ट कोई भी नहीं है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है और हर तबका ले सकता है। ये तकरीबन 14-15 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त, यानी कि ये हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ जो प्रेग्नेंट खवातीन है वो इस्तेमाल ना करें, इसके अलावा सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये किस टाइम पर कावा पीना है? ये वाला, ये रात को आप सोने से एक घंटा पहले पी लें। अच्छा, रात को सोने से पहले बस एक टाइम पीना है, एक टाइम पीना। और ये सर्दी गर्मी चार साल यानी साल 12 महीने पी सकते। अच्छा, 12 महीने पी सकते, ये नुकसान वाली चीज़ नहीं। मैंने सुना है किम साहब, सुनी सुनाई बात है, तो जब आप आते हैं और हर्बल स्टार डॉक्टर्स आते हैं तो मैं कंफर्म कर लेती हूँ, तो मैंने सुना है कोई चीज भी, कोई भी रेमेडी हम कराते हैं तो उसको थोड़े टाइम बाद स्किप कर देना चाहिए कि फिर चेंज करने दी रेमेडी। मकसद ये है कि जब आपका वेट कम हो गया, आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, आप इसे बंद कर दें। अच्छा, उसके बाद ज्यादा ज्यादा महीना दो महीना यूज करेंगे, उसके बाद छोड़ दें आप, आपको जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा होता है ना कि बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने अभी देखा है, मुझे किसी ने अभी बताया, जनवरी में बता दिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को जून में किसी ने ये बता दिया इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान वाली नहीं। अच्छा, सर्दी गर्मी खजा बहार हर मौसम में इसे यूज किया जा सकता है। बिल्कुल, चले तो आप इसे यूज कीजिए, एक कप रोजाना पिए, आप खुद बताएंगे, आपको देखने वाले बोलेंगे कि आप कितने, आपका जो है कितने स्मार्ट हो रहे हैं और दूसरा आपका वजन कितना कम हुआ है। इससे दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आपके कलर को भी फेयर करेगी, साथ में जैसे ना आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे होते हैं, ये तो जो धब्बे धब्बे से हो रहे होते हैं चेहरे पे, ये उसको भी खत्म करेगी, क्योंकि ये लीवर को भी क्लीन करती है, जैसे फैट बन जाते हैं लीवर पे, चर्बी आ जाती है, वर्म आ जाता है, ये उसको भी ठीक करेगी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि इससे आपका कलर भी साफ होगा और डार्क सर्कल्स का जो प्रॉब्लम है वो भी इससे खत्म हो रहा है, वेट भी इससे लॉस हो रहा है, मतलब जबरदस्त। बिल्कुल, आपने जरूर अप्लाई करना है, इस रेमेडी को यूज करना है, क्योंकि ये टी मेरे अपने घर पे भी यूज हो रही है। अच्छा, हम मिक्स करके रख सकते हैं, जैसे ये इन दोनों को एक बॉटल में डालें और मिक्स करके रख लें। बॉटल में डाल के रख लें, है ना? हाँ, अलग अलग भी रख सकते हैं, एक चम्मच ये लिए, एक चम्मच ये लिए, बना लिया आपने, चलें। तो बहुत अब तो इजी, सबके किचन में आप लोगों के ये आनी चाहिए। नमी वाली जगह पे मत रखिएगा। अच्छा, वरना इस पे जाला लग जाता है। अच्छा, फ्रिज में भी नहीं रखे ना? बाद लोगों ने फ्रिजों को अलमारी बनाया हुआ होता है, और मैंने खुद दवाइयों की बुहारी होती है। एग्जैक्टली, वो उसमें दालें भी हो रही रखी हुई है फ्रिज में, बेसन भी रखा हुआ है और जो है ना फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, तो अब जो चीजें मतलब और इस तरह की जड़ी बूटियां भी रखी हुई है, शेफ के घर में मिलेंगी, फ्रिज में सारी चीजें मिलेंगी उनको। अच्छा, इसके साथ ही हम इसको कुक करते हैं। ये जो है कावा का, मैं आपसे पूछ रही थी कि ये कितने मिनट इसको हमने पकाना है? देखिए, इसे 5 मिनट ज्यादा होते हैं, मेरे ख्याल में एक या दो जोश आ जाए आप इसे उतार दें। अच्छा, और इसका कलर, इसका जायका जो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो ये ब्राउनिश थोड़ा सा बनेगा और साथ में ये कि इसका जायका पानी की तरह होगा,
यानी कोई इसका वो नहीं होगा, ना कड़वा होगा ना मीठा होगा, फीका होगा ये। अच्छा, और इजीली आप पी सकते हैं इसे। जबरदस्त, यानी कि तलखी नहीं है इसमें। तलखी नहीं है। और मतलब सम टाइम होता है गुड़ लोग कहते हैं डाल दो, तो इसमें तो डालने की जरूरत नहीं है। अगर उनको फीका नहीं खाया जा सकता तो थोड़ा सा आप गुड़ डाल सकते हैं आप इसमें, कोई हर्ज नहीं है। जिन हजरात को प्रॉब्लम है, अच्छा मैंने तो अपनी जिंदगी से जो है ना, मैं बताऊं हकीम साहब, मैंने आज मुझे कोई 3 से 4 साल हो गए मैंने शुगर को स्किप कर दिया अपनी जिंदगी से। मैं अगर चाय पीती हूँ तो मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं ऑयली चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों नहीं खानी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पसंद है इतनी। मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे समोसे खिला दो, मुझे रोल खिला दो, मुझे जो है ना ब्रोस खिला दो, और जंक फूड लवर हूं मैं, क्या करूं। लेकिन मैं कोशिश करती हूं, मैं इसी वजह से जो है ना बस क्या करूं। लेकिन अच्छा मैंने चीनी स्किप कर दी है, एक मेरी जीत है, मैंने चीनी बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दी। इवन मीठा बनता है मेरा खाने का दिल ही नहीं करता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। आपको चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, नहीं 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 मेरी नहीं है नेचर ऐसी, नहीं है मेरी नेचर ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, मैं चीजों को ना बहुत लाइटली लेती हूँ। लेकिन हाँ अगर जब आता है ना तो फिर ऐसी की मतलब नहीं बोलना चाहिए नहीं तो बस मुझे आता नहीं है, बहुत कम नहीं है मतलब, और जब आता है ना तो फिर मेरा पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और मैं ज्यादातर चीजों को लाइटली लेती हूँ कि नहीं ठीक है। और 10 मिनट्स हो गए, शाइना बहुत हाँ। अच्छी आदत है आपकी, और अल्लाह ताला आपको घर के तमाम लोगों की खुशियां नसीब करे और आपको कामयाब रखे हर जगह पे। बहरहाल क्योंकि मैं तो देखता रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी रेसिपीज होती हैं और अल्लाह पाक ने आपके हाथ में अच्छा जायका दिया। शुक्रिया बहुत। अच्छा साथ साथ चूल्हा भी मैंने ऑफ कर दिया है, 5 से 6 मिनट है, एक कॉल है हमारे साथ तो कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गजल बात कर रही हूँ कराची से। जी गजल। और जी मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ जब से स्टार्ट हुआ है, और माशाल्लाह से आप वो रेसिपीज बताती हैं जो हम लोग आम नॉर्मल रूटीन में मतलब हमें जरूरत होती है बनानी की ना, और रेसिपी नहीं होती है पास, तो माशाल्लाह से एक दो रेसिपीज मैंने आपसे ट्राई की है। जबरदस्त, कैसी बनी रेसिपीज? बहुत जबरदस्त बनी है, सबको पसंद आई, बच्चों को पसंद आई, सबको पसंद आई, और लोगों ने भी आपका शो देखना शुरू किया है, मेरी रेसिपी जब मैंने बनाई तो फॉलो किया उनको। जबरदस्त। अच्छा मुझे एक फरमाइश करनी है, आप मुझे चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखाइएगा। बिल्कुल, अब सर्दियाँ आ रही हैं, विंटर्स को हम वेलकम करेंगे तो उसमें हम सूप्स वगैरह और सी फूड भी बनाएंगे। अच्छा साथ साथ गजल हमारे साथ हकीम शाह नजीर साहब मौजूद हैं, आज इन्होंने वेट लॉस का बहुत अच्छी 2 रेमेडी बताई है, इसके अलावा कोई रेमेडी, कोई चीज, कोई बात आप इनसे पूछना चाहेंगी? जी 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 जी, मेरे साथ ये मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी। हकीम साहब मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं धूप में जाती हूँ ना तो स्किन बहुत सेंसिटिव है और सन बर्न हो जाता है, और अच्छा सन ब्लॉक मुझे कोई भी सूट नहीं करता है, तो प्लीज आप मुझे इसके लिए कुछ बताइए। जी बिल्कुल मैं बता देता हूँ इसमें। देखिए ये अक्सर सिर्फ आपका मसला नहीं, काफी लोगों का मसला है, जब वो धूप में निकलते हैं या मुख्तलिफ प्लेयर जो स्पोर्ट्स मैन है तो उनके भी चेहरे पे धब्बे धब्बे से बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन ऐसे लगता है जैसे जल गई है, मुख्तलिफ किस्म के सन ब्लॉक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मुकम्मल क्योर करने के लिए, ताकि ये ठीक हो जाए, आपको बार बार चीज़ें इस्तेमाल ना करनी पड़े, तो उसके लिए आपने एक बूटी आती है उशबा के नाम से, उशबा, ठीक है, ऐन शीन बे है, उशबा उशबा उशबा, ये लेनी है आपने, लकड़ियों की तरह होती है, इसकी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें, 1 टाइम रोजाना करना है। और लगाने के लिए आपने लेना है अनार के फूल, समंदरी झाग, हुस्ने यूसुफ, संदल पाउडर सफ़ेद वाला, ये सब चीज़ें 20-20 ग्राम, और इनको डालना है आपने 100 ग्राम उपटन के अंदर, मिक्स करके घर पे रख लें आप, जितना लगाना हो उतना आपने अरके गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे गर्दन पे आप लगा लें, आधे घंटे बाद चेहरा धो लें आप, 1 टाइम रोज़ाना ये करना है, और उशबा बूटी का पानी 1 टाइम रोज़ाना पीना है। आप ये कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज करें, फिर उसके बाद आप बाहर निकल के देखें। अच्छा फिर आपको स्किन यानी कि ये जो सन रेजेस होती हैं असर नहीं करेंगी? जी इंशाल्लाह इतनी नहीं। अच्छा अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये जो रेमेडी आपने बताई ना इसको एक दफा और आप बता दें। जी जी बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगी कि जो हम यूट्यूब पे अपलोड करवाएं आज का शो, तो मैं उसमें इनका रेसिपी कार्ड, इस वाली जो इन्होंने बताई है सन ब्लॉक का, तो मैं इसको जो है ऐड करवा दूं, ताकि लिखा हुआ जो होता है ना उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत इजी है जी। देखिए आपने लेना है उशबा बूटी, उशबा बूटी 1 चम्मच के बराबर, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें,
एक टाइम रोजाना करना है, ये एक चीज हो गई, ये एक चीज हो गई। उष्मा बूटी को आपने रात में भिगोना है और सुबह नहार मुंह उसका पानी पीना है, उसका पकाना नहीं है, सिर्फ उसका पानी आपने पीना है। जी बिल्कुल। और लगाने के लिए आपने लेना है हुस्ने यूसुफ, ठीक है। अच्छा ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप ये वाली जो है ना दोबारा से बता दिएगा। इस ब्रेक का टाइम है और दिल तो नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का क्योंकि यहाँ बातें चल रही हैं बड़ी स्किन से रिलेटेड, और ले लेते हैं एक ब्रेक छोटी सी। सो लेते हैं एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले क्या हो रहा था, डिस्कस हो रहा था, स्किन का एक कॉल थी हमारे साथ और उन कॉलर ने एक विन भी किया आज, क्योंकि उनका गिफ्ट हैंडबैग है हमारे साथ और वो उनके साथ जाएगा। अच्छा, और साथ साथ जो है मैं आपको स्किन का उन्होंने पूछा था और आप बता रहे थे, तो मैंने कहा ब्रेक लेना उसके बाद बता दिएगा। जी तो अब बताएं। जी, जो सनबर्न हो जाता है लोगों को जो कि मुख्तलिफ किस्म के सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हमने बताया उष्मा बूटी एक चम्मच के बराबर एक गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। लगाने के लिए अनार के फूल 20 ग्राम, संदल पाउडर 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, हुस्ने यूसुफ 20 ग्राम, इनको 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें। कोई भी अच्छी कंपनी का या आपका बगैर केमिकल का उपटन हो, हर पंसारी के पास होता है, आप वो 100 ग्राम ले लें, उसके अंदर मिला लें अच्छे तरीके से, फिर जितना लगाना हो उतना अरके गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के पूरे चेहरे पर लगाएं, आधे घंटे बाद धो लें। एक टाइम रोजाना करना है और उष्मा बूटी का पानी भी एक टाइम रोजाना पीना है। इंशाल्लाह ये महीना 40 दिन करके आप निकल के देखिए धूप में क्या होता है। चलें, ये तो बहुत अच्छी रेमेडी थी। अच्छा, आज जो है क्या बन रहा था, यहाँ पर मैं स्मूदी बना रही हूँ और स्मूदी के क्या मेरे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें आइस चाहिए, तो आइस मैंने ली है। अच्छा, मैंने यहाँ लिए हैं बनानास और मैं स्मूदी बना रही हूँ। पर पर्सन जो एक बंदा होगा वो स्मूदी पिएगा, तो उसमें एक बंदा जो स्मूदी अपने लिए बना रहा है तो वो 2 केले डालेगा, 2 अदद केले आपने शामिल करने हैं, ठीक है। 1 ग्लास आपने दूध लेना है और 1/2 कप लेनी है आपने दही, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1/2 कप दही, 2 अदद केले, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें डालनी है। अगर आप चाहते हैं इस स्मूदी में डेट्स भी ऐड कर सकते हैं और हनी भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं ज़रा टेस्ट के लिए थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लोग हनी ऐड कर सकते हैं और हनी आप 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ ये मैंने आपको बता दिया, अच्छा वेजिटेबल्स मेरी डन हो गई हैं, उनको भी मैंने निकालना है। और हकीम शाह नजीर ने जो कावा बनाया था वो यहाँ पर तैयार है, उसको मैंने ब्रेक में निकाल लिया था ताकि आप लोग देख सकें इसका कलर भी, वो बता रहे थे कि किस तरह का इसका कलर होगा। और ये बिल्कुल फीका जो है वो होता है, बिल्कुल फीका होता है, इसका कोई जायका नहीं होता। और साथ साथ जो पाउडर इन्होंने सफूफ बताया था यहाँ पर, वो भी यहाँ पर रेडी है, तो दोनों चीज़ें इनकी बनाई हुई यहाँ पर तैयार हैं। अब बारी है मेरी, तो मैं जाती हूँ बैग पर और बनाती हूँ स्मूदी, और साथ साथ मैं अपने इन्ग्रीडियंट्स वहीं लेके जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर आइस, मैंने इसके अंदर ऐड करी है, आइस मैंने इसके अंदर ऐड करी है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क मेरे पास जो मौजूद है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मिल्क का ये एक बात होती है कि फुल फैट और लो फैट, उसका भी हकीम साहब आप साथ साथ बताएं कि फुल फैट मिल्क में और लो फैट मिल्क में क्या फ़र्क है और उसको यूज़ करने से कोई फ़ायदा होता है या कुछ होता है, तो वो भी बताएं। अच्छा, मैं यहाँ पर 1/2 कप जो है वो योगर्ट डाल रही हूँ, 1/2 कप योगर्ट मेरे पास मौजूद है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1/2 कप योगर्ट एंड 2 बनानास में डाल रही हूँ यहाँ पर। और स्मूदी मैंने हकीम साहब को पिलानी है तो मैं इसलिए जो है ना वो चीनी डाल रही हूँ, आप लोग शहद डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बनानास इसके अंदर ऐड करे हैं। और अब बारी है शुगर की, शुगर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन नॉर्मल स्टैंडर्ड डाली हूँ तो मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। आप लोग हनी में बनाए अगर आपने वेट लॉस में, और वैसे अगर बनानी है बच्चों के लिए बना के देनी है तो आप शुगर थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी दें तो आप थोड़ी शुगर जो है वो कम ही इस्तेमाल करवाएं। अच्छा जी, इसको मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूंगी। जी, तो अब इसको
जी, तो यहाँ पर स्मूदी जो है वो तैयार हो गई है हमारी, हम इसको अब डिश आउट करेंगे। अच्छा, मैं ग्लास ले लेती हूँ और ग्लास में इसको निकालती हूँ। जी, तो हमारी ये बनाना स्मूदी भी यहाँ तैयार हो गई है, और साथ साथ मैं इनसे पूछ रही थी फुल फैट और लो फैट का हमें बता दें कि देखिए, क्या एक है? क्रीम के साथ दूध होता है और एक होता है बगैर क्रीम की मलाई के, ठीक है। जो बगैर क्रीम की जो मलाई के होता है वो नॉर्मल होता है। आप वैसे आम तौर पे भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो दूध नहीं पीते हैं, कहते हैं दूध पीने से वजन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता, एक गिलास दूध पीने से कभी वजन नहीं बढ़ता। आप अपना दूध का इस्तेमाल जारी रखें ताकि आपके अंदर कैल्शियम मौजूद हो, आपके अंदर मिनरल्स मौजूद हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और इसके अलावा पोटाशियम होता है, आयरन होता है, इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी की कुछ मिकदार पाई जाती है। तो प्लीज़ एक गिलास दूध पीने से कुछ नहीं होता, आप ज़रूर पिया करें। क्योंकि दूध पीने के जब दूध छोड़ देते हैं आप लोग, उससे यही होता है कि आपके अंदर मिनरल्स की कमी आती है, कमजोरी होना शुरू होती है। जब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यार आप एक गिलास दूध, नहीं जी मैं नहीं पीऊंगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा। एक गिलास दूध पीने से कोई वेट नहीं बढ़ता। हाँ, सुबह दोपहर शाम दूध पीने से वेट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा दूध का एडिक्ट होने से वेट बढ़ेगा, और सुबह दोपहर शाम। और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट जो है वो क्रीम वाला दूध इस्तेमाल ना करें। अच्छा, साथ साथ इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम हो रहा है खत्म, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे तो मैसेज दीजिए। देखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहा कीजिए, और माफ़ करना सीखिए, और माफ़ी मांगना भी सीख लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी सेहत का इसलिए ख्याल रखें कि आप लोग हमसायों से, मोहल्ले वालों से दवाएं मत पूछा करें। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, जो पढ़ कर आए हुए हैं, आप उनसे पूछें। आप ऐसे लोगों के पास जाएं जो कि खुदा तरस होते हैं, वो फीस भी नहीं होती, आप उनसे पूछें। सारी बात है, एक इंसान है वो घर को चलाएगा या हकीम डॉक्टर्स को फीस जमा करवाएगा कुछ पूछने के लिए? तो इसलिए आप ऐसों के पास जाएं जो पढ़े लिखे हों, उनसे उनसे पूछें। आप मोहल्ले वालों के पास डिग्री थोड़ी होती है, आपको क्या बताएंगे वो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और अपना ख्याल रखिए, अपने वालदेन की कदर कीजिए, ये एक बहुत बड़ी नेमत है आपके पास, क्योंकि वालदेन की जो चप्पल कमरे के बाहर पड़ी होती है वो भी बहुत मायने रखती है, बहुत वजनी होती है। जिनके वालदेन नहीं है, आप उनसे पूछें। तो इसलिए आप उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर कीजिए, वालदेन की कदर कीजिए। अच्छा, साथ साथ जो है वो आज क्या क्या चीज़ें बनी हैं यहाँ पर हमने बता दी। अच्छा, आज मैंने स्टीम करा था वेजिटेबल्स को, और साथ साथ मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसमें चाट मसाला, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, और साथ साथ ब्लैक पेपर। अच्छा, किसी भी काली मिर्च के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो और साथ साथ जो है वो सॉल्ट मैंने स्प्रिंकल किया है। और ये हमारी आज स्टीम वेजिटेबल्स भी तैयार हो गई हैं, और स्मूदी भी हमने यहाँ पर बना ली है, और साथ साथ जो है हमने यहाँ सफ़ूफ बनाया था और एक कावा बनाया था। आज चार चीज़ें हमारी चारों की चारों वेट लॉस से रिलेट कर रही थी हमारी चीज़ें, और इसके साथ ही मेरा और हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम कल एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और हकीम शाह नज़ीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।